श्री वैश्य कुमार्तना सभा बरेली ने हमेशा की तरह होली के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का प्रदोष पूजन किया। बरेली में कूजा सीताराम स्थित सभा भवन पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इससे पहले भगवान भोले का भव्य श्रृंगार किया गया। सभा भवन पर प्रदोष पूजन के बाद श्री वैश्य कुमार्तना सभा के पदाधिकारियों ने मथुरा वृंदावन की तरह फूलों की होली भी खेली। फूलों की होली में काफी संख्या में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देर रात तक होली की बहार देखी गई। कार्यक्रम में श्री वैश्य कुमार्तना सभा बरेली के महामंत्री तुषार गुप्ता, कोषाध्यक्ष आकाश गुप्ता, कपिल गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अनुराग गुप्ता, मोहित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम कुमार्तना वैश्य युवा संगठन की ओर से प्रतिवर्ष भगवान भोलेनाथ के प्रदोष पूजन के रूप में किया जाता है। इसके बाद हमारे प्रदोष पूजन के उपरांत भजन संध्या और फूलों की होली का एक कार्यक्रम रहता है, जिससे हमारे समाज के सभी बंधु यहाँ पर सम्मिलित हो सके और एक दूसरे से मिल सके। जो होली की परंपरा हम लोग के साथ में चली आ रही है और समाज को हम लोग एक नई गति दे सकें, इस प्रयोजन से हम लोग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक प्रदोष पूजन का कार्यक्रम करते हैं। मैं आकाश गुप्ता, युवा संगठन में कोषाध्यक्ष का पद मेरे पास है और पिछले 30 वर्षों से ये कार्यक्रम होली पर भगवान प्रदोष का प्रदोष पूजन आयोजित हो रहा है और हमारे पूर्वज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। होली पर रंगों का होली खेलने के लिए ये कार्यक्रम भगवान प्रदोष पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। हर साल ये होता है और एक छोटा सा कार्यक्रम, इसमें पुष्पों की होली भी बहुत बढ़िया तरीके से भगवान के द्वारा खेली जाती है। काफ़ी वर्षों से ये प्रोग्राम चला आ रहा है और कुमार्तन वैश्य समाज के, युवा संगठन के, महिला समिति के सभी लोग इसमें आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मैं तुषार गुप्ता, हमारे यहाँ श्री वैश्य कुमार्तन सभा भवन सीताराम कूचा बरेली में ये होली का प्रदोष पूजन का कार्यक्रम ठाकुर जी की कृपा से काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। इसमें भगवान शिव का पूजन होने के साथ साथ भगवान कृष्ण की पुष्पों की होली वृंदावन के हिसाब तरीके से की जाती है, जिसका सभी भक्त, सभी समाज के स्वजाति बंधु पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करते हैं एवं ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।